रूम टूर कम इन। सो फाइनली वेलकम टू द मच अवेटेड रूम टूर एंड एज वन ऑफ आर लव्ड लेजेंड्स सेड योर रूम इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू रियली आर। So I don't know if this is really my reflection, but okay, let's move on. Starting off, ये हमारा bed है, it looks very comfortable, but सोने को time नहीं मिलता है, तो फ़ायदा नहीं है कुछ, but ठीक है. There we have some posters. So I am a huge Harvey Specter fan, I am a Suits fan, and at times I derive my motivation from these kind of posters. So yeah, that's it. I am planning to get many more of them, but अभी के लिए यही हैं. And here's our night lamp and nothing much. Moving on. So यहाँ पे at the center we have आदि योगी because जो है इन्हीं की वजह से है. ठीक है, यहाँ पे we have another Suits poster. ठीक है, वहाँ पे चार, यहाँ पे एक. I'll get many more of them. And यहाँ पे I have my books. So these are my course books इस term की. And since I have a habit of reading, तो इसलिए ये कुछ books हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ. This is my latest edition, The Roaring of Lamps. I'll start this very soon. इसके अलावा Autobiography of a Yogi, and this book is very special for me. So I bought this last year when I was preparing for CAT. I mean last year, पता नहीं चलता, एक साल हो गया. And यहाँ आके अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ. I never thought I'll be reading this inside NIM. So yeah, I was there. अगर आप एक aspirant हो, you are watching this video, I have been in your shoes. Which reminds me that if you are someone जो ये सोच रहा है कि यार 5 महीने में CAT की preparation हो सकती है कि नहीं, 100% हो सकती है. If you follow these three things, firstly prepare a timetable and follow it holistically. Timely structure follow करो अपनी preparation के लिए and you would be good to go. Secondly, giving mocks consistently and analyzing them. See, mock देना is not the only thing, analyze करना is also important. So follow proper strategies to analyze those mocks as well. And lastly, if you follow good resources and study materials, आपको इस पूरी भीड़ में से वो मटेरियल, वो रिसोर्सेज फॉलो करने हैं जो सच में आपकी हेल्प कर रहे हैं इस प्रिपरेशन में. एंड ये तीनों चीज़ें मिल सकती हैं आपको सिर्फ एक जगह, वो है फिज़िक्स वाला के MBA वाला कोर्स में. फिज़िक्स वाला इज़ ब्रिंगिंग यू 3 new batches, MBA Elite 2K24 at 6999, MBA Pro 2K24 at 10999, and MBA Ignite 2K24 अगेन at 6999. इफ यू आर समवन हु इज़ एट एन इंटरमीडिएट लेवल, आपकी बेसिक्स की प्रिपरेशन हो चुकी है, बट नाउ यू वॉन्ट सम सॉलिड गाइडेंस, सम स्ट्रैटजी जिससे कि आपके IIM की तैयारी और बेटर हो जाएगी, एंड यू नो यू वुड बी गुड टू गो टू क्रैक एन IIM, तो उसके लिए फिजिक्स वालाज MBA Ignite बैच इज़ परफेक्ट फॉर यू, विच इज़ प्राइज्ड एट 6999. इसमें आपको मिलते हैं एलीट्स के सारे फीचर प्लस कुछ स्पेशल फीचर्स लाइक GD एंड पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. इसके अलावा मेंटोरशिप सेशंस फ्रॉम टॉप बी स्कूल एलुमनाइज. अपार्ट फ्रॉम दिस, MBA Elite बैच में आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्ड लेक्चर्स, 20+ मॉक टेस्ट सीरीज, 10,000+ क्वेश्चन बैंक इन DPP फॉर्मैट, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट विद एनालिसिस विद 24/7 डाउट सपोर्ट एंड एक्सेस टू द MBA प्रो. एंड इसके अलावा MBA प्रो बैच में मिलेगा आपको और भी प्रो फीचर्स लाइक रिसोर्सेज फॉर द एग्जाम्स लाइक ZAT, MAT, SNAP. इसके अलावा एक्सेस टू फिजिक्स वाला खजाना. हाउ ऑसम इज दैट? इन सभी कोर्सेज के लिए यू कैन यूज़ माई कूपन कोड ANM500 टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट. लिंक्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट. ऑल राइट, यू कैन ऑल्सो चेक माई इंस्टाग्राम स्टोरी जहाँ पे आई विल शेयर रिलेवेंट डिटेल्स. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, सो ये हो गई बुक्स, दीज आर आर कोर्स पैक्स. इसके अलावा दिस इज़ बेसिकली आर वर्क स्टेशन. ठीक है, यहाँ पे आई हैव माय डायरी, दीज आर द रिमोट्स, ये फ़ैन का रिमोट है, ये एसी का. एंड इसके अलावा ये कुछ प्लांट्स हैं, और प्लांट्स आने हैं अभी, बट अभी के लिए यही हैं. दिस इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज आई गॉट दिस इन XLR जमशेदपुर जब मेरा फर्स्ट एवर MBA क्रिएटर समिट का इन्विटेशन था. सो या, दिस इज़ स्पेशल फॉर मी. आई गॉट दिस एंड दिस फ्रिज मैगनेट, इफ यू कैन सी XLRI, या इट्स क्यूट. सो या, यहाँ पर रखा हुआ है मैंने उसको. एंड हर टैबलेट, फ़ोन, हेडफोन्स, एक घड़ी है, एंड बेसिकली यहाँ पे एक लाइट है. इफ़ आई हैव टू शो यू, ऐसे तो मैं अपनी ज़्यादातर एडिटिंग जो है यहीं पे करता हूँ, केस रीड्स यहीं पे होते हैं हमारे. दिस इज़ अ वाइट बोर्ड जहाँ पे यू कैन यू नो ग्रुप डिस्कशंस में शेयर आइडियाज़ एंड ऑल. दिस इज़ अ बोर्ड जहाँ पे आप पिन से जो है कुछ भी लगा सकते हो. आई एम यूजिंग इट एज अ की होल्डर. दिस इज़ माई रूम कीज़.
दिस इज़ माय बाइक की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वी हैव अ ड्रॉर, आई होप इट्स नॉट मेसी, या इट्स नॉट, बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ पे स्टेशनरी का सामान, एंड या बेसिकली दिस इज़ आर वर्क स्टेशन, वहाँ पे आई कीप माय बैग, बस बहुत जगह है, ठीक है। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ सॉकेट्स ताकि चार्जिंग की इशू ना हो, एंड इसके अलावा आई मूविंग ऑन टू दिस। सो यहाँ पे हम रखते हैं डेली यूज़ का सामान पूरा, वी हैव आर स्पेक्स, कोम, वॉचेस एक्सेट्रा, वी हैव सम सेंटेड कैंडल्स विच वी डिडंट बाय, बट ठीक है, इट लुक्स एस्थेटिकली प्लीजिंग तो रखना पड़ता है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा दीज टू कॉलम्स आर एम्प्टी, बिकॉज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग OCD इज़ कि आप सारा सामान अंदर रखते हो, यू डोंट वॉन्ट खूब सारा सामान इन फ्रंट ऑफ योर आईज, राइट। सो इसलिए ये एम्प्टी है, सारा सामान अंदर रखा है मैंने। एंड दिस इज़ आर ब्यूटिफुल हेलमेट विच वॉज गिफ्टेड बाय आर डियरेस्ट फ्रेंड हु इज़ बिहाइंड द कैमरा, #, ठीक है। दैट्स इट इस पूरे सेक्शन में। एंड या दिस इज अ चेयर इफ आई हैव टू मेंशन, काफ़ी कॉम्फी। दिस राइट हियर इज वेयर आई कीप द पिज़्ज़ा एंड दैट्स वेयर द नैपकिन इज एंड या दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द स्टोरेज पार्ट, सो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्टार्टिंग फ्रॉम द बेड। तो यहाँ नीचे दो कंपार्टमेंट्स हैं, एंड इफ आई हैव टू गिव यू गाइज एन आइडिया, दे आर ह्यूज। यहाँ पे मैंने अपना लगेज स्टोर किया हुआ है, बोथ आर द सेम साइज, ठीक है। कमिंग हेयर, यहाँ पे एक कबर्ड है जिसको मैं यूज़ करता हूँ टू कीप सम ऑफ माई इक्विपमेंट, सम स्टफ, आई विल नॉट फोकस मच ऑन दैट। दिस इज़ आर कबर्ड। इफ आई हैव टू गिव यू गाइज अ स्नीक पीक, दैट साउंडेड सो रॉन्ग इन माई हेड, तो इट हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। ऊपर आई हैव स्टोर्ड सम बुक्स, क्लोथ्स, नथिंग एल्स, ठीक है। दीज आर टू ड्रॉर्स, इसमें आई स्टोर एक्स्ट्रा आइटम्स, एक्स्ट्रा सोप्स, फेस वॉशेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई एम नॉट गोना ओपन दिस। दिस आई यूज एज माई शू रैक इफ आई हैव टू शो यू गाइज। सो या इट्स नॉट दैट क्लीन, बट ठीक है। सो या दिस आई यूज एज माई शू रैक, एंड या दिस अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस इज इनफ आई थिंक। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द लाइटिंग, सो आई यूजली लाइक दीज काइंड ऑफ शेड्स जो थोड़े येलो होते हैं, एंड आई काइंड ऑफ लाइक दीज काइंड ऑफ स्टार वाई लाइट्स, आई डोंट नो वाई, सो आई थॉट आई शुड पुट देम हियर। तो इसलिए लेट मी शो यू कि एक्चुअली वाइब रहता कैसा है इस रूम का। ये लाइट जो है हम जलाते नहीं हैं यूजली, सो लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द मेन लाइट एंड दिस लाइट एज वेल। सो दिस इज़ हाउ आई कीप माई रूम, ठीक है। वी हैव दिस नाइट लैम्प, वी हैव दिस फुट लैम्प, एंड उसके अलावा ये पूरी लाइट्स, एंड ये एक्स्ट्रा लाइट थी एक जो मैंने यहाँ लगा ली, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है। सो या दिस इज़ हाउ आर रूम लुक्स 90% ऑफ द टाइम्स, ठीक है। इट लुक्स, आई डोंट नो वाई, एस्थेटिकली प्लीजिंग टू मी। लेट मी टर्न द लाइट बैक ऑन, या सो दैट्स इट, दैट्स आर रूम टूर। वी ऑल्सो हैव अ मिरर देयर इफ आई फॉरगॉट टू मेंशन, एंड या दैट्स इट। आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। देयर्स चार्जिंग पॉइंट्स राइट बिसाइड्स आर बेड, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, एंड AC वहाँ पे है, एंड या आई कीप माई बॉटल्स हेयर जस्ट सो दैट मुझे बेड से उठना ना पड़े। हेयर इज़ द विंडो एंड curtains, so these are not exactly blackout curtains, but yeah, they do their job pretty well. अभी चलते हैं बाहर, I'll show you guys कि बाहर का क्या view है, lobby का, balcony का, so let's go. So come. So हमारा room इस lobby में last में है सबसे, तो यहाँ पर कोई room नहीं है, basically end है, and यहाँ पर when you come, यहाँ पर we have sofa and TV just to chill, ठीक है। यहाँ से वी गेट अ व्यू ऑफ आर गेस्ट हाउस, एंड या नथिंग मच, एंड या दिस इज़ अ प्लेस टू चिट चैट एंड चिल। वहाँ पे वी हैव आर फ्रिज एंड एक वॉश बेसिन, ये हमारी बालकनी है, तो यहाँ से पूरे कैंपस का व्यू आता है।
and yeah, it never fails to please your eyes. So this is where we end our video. I hope you liked our room tour. Bahut din se pending tha hai, much awaited video. And yeah, that's pretty much it. I hope you liked it. If yes, drop a comment, share this video. I'll see you guys very soon in the next video. Till then, peace out.